क्या हुआ, किसने आग लगा दी? परेशान ना भैया, भैया परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है। यूपी के बहराइच में नफरत ने एक शख्स की जान ले ली। 13 अक्टूबर की शाम को फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। ये सब कुछ दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ। जान गंवाने वाले राम गोपाल की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनकी माँ, पत्नी और बहन सबका रो रो कर बुरा हाल है। राम गोपाल की मौत के बाद बहराइच के महाराजगंज में बवाल हो गया। भीड़ सड़कों पर आ गई। रात में पुलिस ने किसी तरह काबू पाया, लेकिन सोमवार सुबह फिर बवाल मच गया। उपद्रवियों ने दुकानों और मकानों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। गाड़ियों में आग लगा दी गई। देखते ही देखते बहराइच में बवाल बढ़ गया। पूरे शहर में बस पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। बवाल में उपद्रवियों ने कई लोगों के घरों और उनकी संपत्ति को निशाना बनाने की कोशिश की। ये देखिए ये परिवार कैसे बेबस नजर आ रहा है, खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है, जिंदगी की भीख मांग रहा है, हाथ जोड़कर कह रहा है बस बचा लो। पुलिस अधिकारियों से इल्तिजा कर रहा है, हमें बचा लीजिए। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इसी तरह पर किसी तरह से काबू पाया जाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये देखिए किस तरीके से एक घर जो है उसमें आग जो है वो लगा दी गई है। पूरा घर जो है आग के हवाले कर दिया गया है। ये देखिए कैसे जो है घर जल रहा है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? नहीं आप क्या, आपका क्या नाम है आपका बाबा, क्या नाम है आपका? नहीं नहीं आप परेशान न होइए, आप रोइए नहीं। क्या हुआ, किसने आग लगा दी? भैया परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये देखिए कैसे जो है एक परिवार जो है गुहार लगा रहा है। और इनका जो घर है बगल में इसे आग के हवाले कर दिया गया है। पूरा परिवार इस वक्त अंदर है घर में और घर का एक हिस्सा जो है वो उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से शासन प्रशासन की टीमें जो है वो मौजूद है और एक परिवार कैसे जो है घरों के अंदर है। सिर्फ एक परिवार नहीं, ऐसे कई लोग दिखे जो अपनी जान बचाने की खातिर गुहार लगा रहे थे। नफरत ने इस कदर फिजा में जहर घोल दिया कि इन्हें जान का खतरा सताने लगा और बेबसी में बचाने की गुहार लगाने लगी। आपके घर में भी आग लग गई? सब आग लगाए दिन, गाड़ी भर गई, घर लड़का बिटिया भर गए। तो ये देखिए कैसे जो लोग हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि घरों को आग के हवाले कर दिया गया है और ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। बहराइच की घटना पर वहाँ की एसपी वृंदा शुक्ला का क्या कहना है, सुनिए। जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेके तकरार हुए, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया। और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टरबेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद
उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर दिया गया है। कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हैं? जी अभी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 लोग घायल हैं। बहराइच में हालात किस कदर बेकाबू हो गए थे इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े हुए थे। इस दौरान उनके दूसरे हाथ में चश्मा और मोबाइल है। एसटीएफ चीफ के हाथ में पिस्टल देखकर उपद्रवी सरेंडर करते हुए आगे आगे भाग रहे थे, जबकि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अमिताभ यश के इस एक्शन का वीडियो वायरल हो रहा है। बहराइच में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के भाई का कहना है कि जिन्होंने उनके भाई को मारा उन्हें फांसी होनी चाहिए। रामगोपाल मिश्रा के परिवार उनके बॉडी का क्रिमिनेशन करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो बॉडी को क्रिमिनेट नहीं करेंगे। उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हरमिल मिश्रा। हरमिल जी आप उनसे बड़े हैं? बड़े हैं। छोटे हैं? आज बड़े हैं। बड़े हो? अच्छा, 2 भाई थे। हाँ। कल जब ये घटना हुई तब क्या आप भी वहाँ पे थे? हम नहीं थे वहाँ पर। नहीं थे? हमको पता चला कि वहाँ पर अरे पथराव हो गया, पत्थर मारने लगे मुसलमानों लोग ने। उसके बाद में उनको पुलिस ने खेद कर पब्लिक को खेदा, उसके बाद में उनको घर में खींच कर उनको गोली मार दी गई। नहीं, जब ये पथराव हुआ तब उनको खींच लिया गया, बाकी पब्लिक वहाँ से भागा दी गई? भागा दी गई। वहाँ पर पुलिस थी तो अरे पब्लिक को रपटा रही थी, उनको छुड़ाने में गई नहीं। उसी में दौरान 2 गोलियां, एक 2 सीने पर और 2 यहाँ, ये सब लगी है। इतनी धारदार कुछ चक्कू या कुछ मार दी इनका, वो तो वहीं पर खत्म हो गए थे। क्या लगता है आपको क्यों किया ऐसा इन लोगों ने? अरे क्या किया गया उसमें हम जानते तो नहीं है कि क्या किया गया। दुश्मनी हमारी कोई नहीं थी उनकी, लेकिन अब मार देने की पूरी तैयारी में वो। तो ये आपको लगता है पहले से पूरी तैयारी होगी क्योंकि वहाँ बोटल्स रखे गए हैं, बहुत सारे पत्थर पहले से रखे गए छतों पे? हैं, छत पे बोतल वोतल नहीं थे, लेकिन गोली वहाँ पर जब इनको भगाया गया पब्लिक को तो इसलिए अरे उनको पकड़ के खींच कर घर में गोली मार दी गई। तो अभी बाद में अरे जो हमारे 2 चचेरे भाई थे उन्होंने लाद कर उनको लेकर आए अंदर से। उस बॉडी घर के अंदर थी? घर के अंदर थी, जो हमें बताया जा रहे हैं। हाँ, घसीट लेकर वहाँ पर घर के अंदर मोहरे के साथ मतलब पास में मार दी गई। ये बताइए कि अब आप लोग बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते, क्या वजह है? मुझे अरे न्याय मिले, न्याय केवल मिले। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या न्याय चाहिए आपको? न्याय के उनको दोषी को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। वो कह रहे कि दोषी तो पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, दूसरे हमारे उनको पकड़ा गया, वो उन्होंने मेन है उसको मेन को नहीं पकड़ा गया। तो फैमिली कहना है कि जो मेन एक्यूज्ड है इस पूरे मामले में, जो मेन आरोपी है, उस तक पुलिस अभी नहीं पहुंची है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इनका ये भी आरोप है कि पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। जब पथराव हुआ तब पुलिस ने उन लोगों पे फायर लाठियां चलाई जो लोग वहां पे जिन पर पहले से ही पत्थर चल रहे थे, जो लोग पत्थर चला रहे थे उन पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसीलिए बवाल इतना बढ़ गया, फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की जान भी गई है और इसीलिए परिवार अब इंसाफ की मांग कर रहा है। बहराइच में हालात काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं। 4 SP, SSP रैंक अधिकारियों, 2 अतिरिक्त SP और 4 डिप्टी SP के साथ कड़ी निगरानी की जा रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए 1 कंपनी RAF और 3 कंपनी PAC को बहराइच भेजा गया है। मौजूदा वक्त में यहां 10 कंपनी PAC और 2 कंपनी CAPF तैनात की गई हैं ताकि शहर में शांति बनाई रखी जा सके। इसके अलावा UPSTF की 5 टीमों को भी बहराइच में तैनात किया गया है। ये सच है कि नफरत अपने साथ हिंसा लेकर आती है और यही बहराइच में देखने को मिला। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही बहराइच में अमन कायम होगा।